जेएसएससी से नाराज छात्रों ने राजभवन के पास किया पिंडदान। जेएसएससी हमेशा से विवादों में घिरी नजर आ रही है, कभी पेपर लीक हो जाता है तो कभी रिजल्ट नहीं आता है। इन सब से नाराज छात्रों ने आज राजभवन के सामने जेएसएससी के विरोध में पिंडदान किया। पिछले कुछ सालों में जेएसएससी ने एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद रिजल्ट जारी नहीं किया। छात्रों का कहना है कि पिंडदान से कहीं न कहीं आत्मा को शांति मिलती है और आज जेएसएससी की आत्मा की शांति के लिए ये कार्य हम लोग कर रहे हैं। एकदम छात्र पे इतना विवश कर दिया, इतना अत्याचार, इतना शोषण कर दिया गया कि हम लोग एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए और हम लोग का कोई उपाय ही नहीं सुझ रहा है। तो हम लोग अपना धरना के माध्यम से यह कि जो भी है तो अपना प्रोसेस को कंटिन्यू रख रहे हैं और वही आज हम लोग नौबत ऐसा आ गया कि हम लोग जेएसएससी का पिंडदान कर रहे हैं, क्योंकि परसों ही देखे होंगे कि आप लोग हम लोग 100 यात्रा निकाले थे, तो उसका आत्मा की शांति के लिए अब हम लोग के नज़र में जेएसएससी मर गया, अब हम लोग का कोई उम्मीद नहीं है, पूरा खत्म हो गया, तो उसी का आत्मा की शांति के लिए आज हम लोग यहाँ पे पिंडदान कर रहे हैं। सुनने को तो आया है कि और पिंडदान से आत्मा को शांति मिलता है, तो शायद अगर इससे हो पाएगा, आत्मा को शांति मिलेगा तो आने वाला भविष्य, बच्चे लोग का भविष्य सुधर जाएगा। इसलिए हम लोग जेएसएससी का आत्मा को शांति मिले, इसलिए हम लोग आज पिंडदान कर रहे हैं। हुआ ये था कि हम लोग एग्जाम जेएसएससी का मतलब फॉर्म आई थी 2021 में, एग्जाम होती है 2022 में जुलाई में, पेपर लीक हो जाता है, फिर से वही ऑनलाइन माध्यम से एग्जाम हुई थी। एग्जाम कंडक्ट होने के बाद सरकार की नियोजन नीति फेल हो गई, फिर हम लोग दूसरा बार मतलब फिर से मतलब रिजल्ट बन के तैयार था, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ पाया। तीसरा बार ये एग्जाम आपका सितंबर में फिर से ये एंड होती है, 24 शिफ्ट में टोटल एग्जाम हुई है, उसके बाद 4 महीना बीत गया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। हम लोग रिजल्ट को लेकर एकदम पूरा भटक रहे हैं, दर दर एकदम पूरा एमपी एमएलए जेएसएससी ऑफिस मतलब से लेकर चेयरमैन सर सबसे मिलते हैं, किसी से कोई मतलब स्पष्ट क्लियर पता ही नहीं चलता है। अभी तो ऐसा कर रहे हैं, जब बात माना ही नहीं जा रहा, जितना बार हम लोग मतलब 20 से ज्यादा बार जेएसएससी ऑफिस गए, कभी पहले तो बात चेयरमैन कभी मिलते नहीं है, खुद से किसी के थ्रू मिलवा देते हैं, एक झूठा आश्वासन देते हैं 10 दिन में आएगा 15 दिन में आएगा, लेकिन हम लोग मतलब इस सबको झेलते झेलते अस्वस्थ हो गए और हर बार उनका आश्वासन झूठा ही साबित हुआ, कभी वो अपने बातों पर खड़े नहीं उतरे, जिसके वजह से परिणाम स्वरूप हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ा।